नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेहता तावड़े पावन कुले की टिकट कटी, 6 मंत्रियों को राम राम। खड़से की बेटी को मौका, कांग्रेस से पटोले व वाघाएं निर्दलीय लड़ेंगे। अब खबरें विस्तार से। मुंबई उच्च शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से, प्रकाश मेहता और विधायक राज पुरोहित को टिकट मिलेगा या नहीं, इसका सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी ने इस कद्दावर नेताओं का टिकट काट दिया है। साथ ही ऊर्जा मंत्री पावन कुले को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने शुक्रवार को आखिरी लिस्ट जारी की, इसमें तावड़े की जगह बोरवली सीट से सुनील राणे को, प्रकाश मेहता की जगह घाटकोपर इससे पराग शाह और राज पुरोहित की जगह कोलाबा से राहुल नार्वेकर, कटोल से चरण सिंह ठाकुर, तुमसर से प्रदीप पटोले, नासिक पूर्व से राहुल ढिकाले, घाटकोपर पूर्व से पराग शाह और कोलाबा से राहुल नार्वेकर का नाम शामिल है। 31 अक्टूबर 2014 को राज्य में गठित देवेंद्र फडणवीस सरकार के 6 मंत्रियों को घर बैठा दिया है। इसमें मंत्री विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से, प्रकाश मेहता और विष्णु सावरा तथा दिलीप कांबले शामिल है। भाजपा ने उत्तर महाराष्ट्र में मुक्ताई नगर विधानसभा सीट से एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी को टिकट दिया है। रोहिणी खड़से को चुनावी मैदान में खड़ा करने का फैसला यह दिखाता है कि पार्टी उनके पिता को शांत करने में सफल हो गई है। वह 1991 से मुक्ताई नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खड़से महाराष्ट्र में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री रहते हुए अनियमितताओं के आरोपों के बाद से वो हाशिए पर चल रहे थे। गोंदिया जिले में विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का तांता लगा रहा। अंतिम दिन होने से बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए हैं। गोंदिया जिला 113 व भंडारा से 109 नामांकन मिले हैं। अर्जुनी मोरगांव से कुछ 21 उम्मीदवारों ने 33 नामांकन दाखिल किए। इसके अलावा कांग्रेस व पीरीपा आघाड़ी के जयदीप कवाड़े, भाजपा के अरविंद मनोहर भालाधरे और निर्दलीय नरेंद्र भोड़ेकर, रामचंद्र अवसरे, साकोली से कांग्रेस से नाना पटोले, भाजपा से डॉक्टर परिणय फूके और वंचित बहुजन आघाड़ी व निर्दलीय सेवक वाघाए के साथ अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। 5 अक्टूबर को आवेदनों की छटनी होगी। 7 को आवेदन पीछे लेने की आखिरी तिथि है। इसमें तुमसर भाजपा से प्रदीप मोतीराम पटोले, राका से राजू कारे मोरे, निर्दलीय चरण वाघमारे का समावेश है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।